हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ हम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था आपको और इसको कम्प्लीट करना था। आई होप आपने इसको जरूर पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि जिसने नहीं किया हो या फिर किसी का छूट गया हो तो वो यहाँ पे कंप्लीट कर ले। यहाँ पे बोला गया है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। यहाँ पे बोला गया है बच्चों, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आपको ए बी सी डी, इसकी भुजा ए डी पर, देखिए ए डी को अगर बढ़ाएंगे तो ई यहाँ पे एक बिंदु है। और दूसरी चीज क्या बोली गई है कि भाई बी ई भुजा, ठीक है बी ई ये दिख रहा है, बी ई भुजा सी डी को, देखिए सी डी भुजा ये हो गई और बी ई इस भुजा सी डी को पॉइंट एफ बिंदु एफ पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से इसकी हेल्प से दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ट्रायंगल ए बी ई, ये हो गया ए बी और ई, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल है सी एफ बी। तो सी एफ बी एक ये ट्रायंगल हो गया, इनको आपको प्रूव करना है सिमिलर, ठीक है। ये क्वेश्चन था, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, बाकी एक बार ट्राई करो इसको। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे करेंगे, क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो ट्रायंगल्स आपके पास हैं वो ले लीजिए। इन ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर प्रूव करने हैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ये दो त्रिभुज सिमिलर प्रूव करने हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए दो एंगल्स हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। जैसे एंगल ए जो है, एंगल ए किसमें है, एंगल ए ई बी ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में, ठीक है। और एंगल सी हो गया ट्रायंगल सी एफ पी में। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। बताइए क्यों है ये, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। यानी बच्चों यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है, जो सामने वाले कोण हो गए वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो ए एंगल सी के बराबर आ गया। एक और चीज पता लगी है, देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ए ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ए बी बी सी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ए डी को ही तो हमने आगे बढ़ाया है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक है, ए बी सी बी एफ के बराबर है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए पैरेलल टू बी सी, ए बी सी के पैरेलल है इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वैकल्पिक आंतरिक कोण है ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में पैरेलल है। बस अब दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। ये भी देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना,
तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ये भी तो वही कॉन्सेप्ट लग गया बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको भी आप कर सकते हैं, बट हमें पता चल गया जब दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल एबीई सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफपी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्राइटेरिया लगेगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है आपका, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। ये है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन समझेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे आपको यहाँ पे अभी फिगर मैं बना दूंगा, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी एंड सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी, यानी आकृति नीचे अभी बनाएंगे हम, उसमें आपको ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए कि। तो यहां पे पहले एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, तो बच्चों कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपका फिगर, ठीक है। इस आकृति में देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिखेंगे, ए बी सी एंड ए एम पी। तो ये जो त्रिभुज हैं बी और एम पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के कोण यहाँ पे बन रहे हैं। बस इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी सिमिलर प्रूव करने हैं। ए बी सी पता है आपको कौन सा है, ए एम पी कौन सा है, तो इसमें से या तो आप कोई दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, या फिर तीन साइड इक्वल प्रूव कर दो, या फिर एस ए एस भी लगा सकते हैं। आपको देखना कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल्स ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए हैं। अब इसमें देखिए एक तो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, कौन सा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ठीक है, 90 डिग्री ईच, ये दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं इसलिए बराबर हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका एंगल ए जो है इसमें भी आ रहा है ए बी सी ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ए एम पे भी एंगल ए आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे आप कॉमन। अगर देखिए दो एंगल्स, ठीक है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो आपके ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सी ए हो गया पहले ट्रायंगल में से एंड पी ए हो गया दूसरे ट्रायंगल में से, ठीक है।
ये सी ए है, ये पी ए है दूसरे ट्रेंगल का, तो इनका रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी बटे एम पी। तो ये बी सी है, ये एम पी है, तो इनका रेशियो बराबर होगा बिकॉज क्या होगा, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड या फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं समरूप त्रिभुजों की वो समानुपात होती हैं, एक ही रेशियो में होती हैं, समान रेशियो में समान अनुपात में होती हैं, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये इक्वल आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो जाता है, बस इसका रीजन देना था, सही रीजन आपको ढूंढना था कि ये इनका रेशियो इक्वल क्यों है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और सवाल है आपके सामने। तो क्वेश्चन है सी डी एंड जी एच, ठीक है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो तीन चीज है ये आपको शो करनी है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी शो दैट, ये चीज शो करनी है, सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। अब कैसे आप शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे वो आपको देखना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिगर बनाइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। कौन से ट्रायंगल आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, ये बना लीजिए। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी। यही बोला गया, सबसे पहले दो ट्रायंगल दो त्रिभुज आपने बनाए हैं, फिर बोला गया है सी डी एंड जी एच, ठीक है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एच सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। मतलब सी डी और जी एच, सी डी कहाँ है, देखिए सी डी का डी जो है एंड जी एच का एच कहाँ पे रहता है, कहाँ पे लाई करता है बच्चों, ए बी पे लाई करता है, सी डी का डी यहाँ पे डी लाई करेगा, एंड दूसरा क्या है जो जी एच है, जी एच का एच एफ ई पे लाई करेगा। ठीक है, ये एफ ई हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझना। दूसरा आपको बोला गया है ये एंगल बाइसेक्टर हैं, समद्विभाजक हैं। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट,
मतलब ये जो एंगल है ACB, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांट देती है ये लाइन, ठीक है। तो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल अब बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दी गई है, यहां तक हो गया। अब एक चीज और दी गई है कि जो ये त्रिभुज ABC है एंड FED है, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, समरूप हैं। तो इसकी हेल्प से CD बटे GH एंड AC बटे FG ये आपको शो करना है कि ये कैसे आया। तो चलिए, आकृति बनाने मैंने आपकी हेल्प की है, अब जल्दी से इसको प्रूव कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है चीजें। आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो चीजें बहुत सारी आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होंगे ना बच्चों, तो आप बोल सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल समान होते हैं, इसलिए ये बराबर आ गए। ये मैंने क्यों किया है बच्चों, देखिए हमको क्या करना है, हमें ACD, त्रिभुज ACD और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, FGH, FGH, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें देखिए एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, यहाँ पे ऊपर आ गया है ये। दूसरा मैं बोलूंगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FDH, ठीक है। ये क्यों हुआ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, ACB और FGE बराबर हैं, ये पूरे के पूरे एंगल बराबर हैं। इसने क्या किया है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, आधे आधे एंगल्स में बांट दिया है, तो इसलिए ये एंगल ACD और FGH भी बराबर होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। सिमिलर से ये चीज प्रूव हो जाएगी, सिमिलरली इसको भी आप सिमिलर प्रूव कर देंगे, और ऐसे ही ये तीसरा पार्ट भी आप कर लेंगे, ठीक है। मैंने हिंट आपको दे दी है, समझा दिया है कैसे सॉल्व करना है, अब आंसर तक आप खुद पहुंचेंगे, होमवर्क में इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे चीजें समझाई है, ताकि आप इनका यूज कर सकें। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने थ्योरम सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बस तरीके हमारे हर क्वेश्चन में अलग अलग हो जाते हैं। भाई सबसे पहले तो समझने का तरीका क्या है, आप कैसे देख रहे हैं और कौन से रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करता है, अच्छे से आप इनको समझें और सॉल्व करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।